जी, आपकी जनता की शैडो कैबिनेट साथ मिलकर प्रशासन के काम कर रही है, तो क्या संदेश दे रहे हैं आप? मैं तो यही कहूँगा कि जो जिस तरीके से ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें रोकने की ज़रूरत है, हमें अवेयरनेस करने की ज़रूरत है, और हमें ज़्यादा धुआं ना करें, हम प्लास्टिक कचरा ना जलाएं, और धुआं कम से कम करें, गाड़ियों को रेड लाइट पे ऑफ कर दिया करें। तो इस तरीके से जो एक अवेयरनेस है, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इससे एयर पोल्यूशन बहुत कम होगा और सांस की जो बीमारी है उसमें भी काफ़ी राहत मिलेगी लोगों को। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर। आज हम एक प्रदूषण के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसके साक्षी बने हैं। आज जनता की शैडो कैबिनेट और प्रशासन मिलकर पूरी दिल्ली में जागरूकता अभियान चला रहा है, जनता को जागरूक कर रहे हैं प्रदूषण के विरुद्ध। रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता अभियान चल रहा है। मैडम, आप प्रदूषण के खिलाफ किस तरीके से काम कर रहे हैं? हम लोग मतलब प्रदूषण के खिलाफ है, मतलब काम कर रहे हैं कि रोडों पर कोई आग ना जलाए, यदि कोई आग जला रहा है तो जागरूक कर रहे हैं कि इसके लिए मतलब कि कोई भी मतलब आग जला रहा है तो एक दूसरे भी उनको समझा सके, हम लोग समझाने के लिए निकले हुए हैं। मनकेश जी, आपकी जनता की शैडो कैबिनेट साथ मिलकर प्रशासन के काम कर रही है, तो क्या संदेश दे रहे हैं आप? मैं तो यही कहूँगा कि जो जिस तरीके से ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें रोकने की ज़रूरत है, हमें अवेयरनेस करने की ज़रूरत है, और हमें ज़्यादा धुआं ना करें, हम प्लास्टिक कचरा ना जलाएं, और धुआं कम से कम करें, गाड़ियों को रेड लाइट पे ऑफ कर दिया करें। तो इस तरीके से जो एक अवेयरनेस है, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इससे एयर पोल्यूशन बहुत कम होगा और सांस की जो बीमारी है उसमें भी काफ़ी राहत मिलेगी लोगों को। सीमा जी, आप क्या कहेंगी? आप समाज सेविका हैं, समाज के लिए काम करती हैं, जनता की शैडो कैबिनेट के साथ मिलकर काम करती हैं, तो आप जो ये प्रदूषण का अभियान है प्रशासन चला रहा है और इसमें साथ में कुछ एनजीओ लगे हुए दिल्ली के कोने कोने में, तो आप क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी प्रदूषण के खिलाफ? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रदूषण कम होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा देश कोरोना जैसी बीमारी से जूझ रहा है और ऊपर से ये प्रदूषण, इससे तो और महिलाएं बच्चे बहुत लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सांस की बीमारी है लोगों को, तो बड़े बूढ़े लोग हैं, वो बेचारे क्या करेंगे। मैं आपको बता दूं कि दो तरह के कणों से PM 2.5 और PM 10 से प्रदूषण होता है, इसे स्मॉग भी कहते हैं। ये पार्टिकल्स होते हैं, धूल के कण होते हैं या धुएं के कण होते हैं जो हवा में मिल जाते हैं और जब मौसम ठंडा होता है तो ये बिल्कुल नीचे आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ करते हैं। तो ये जो सिविल डिफेंस की टीम है और ये जो SDM से प्राप्त टीम है जनता की शैडो कैबिनेट को, ये लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से आग जलाने का कम से कम धुआं किया जाए, आग का धुएं का प्रॉपर इंतजाम हो, रोड पर न जलाएं, जो कूड़ा है वो रोड पर न जलाएं, पब्लिक को इसलिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं। कुछ आपका समस्याएं भी आ रही हैं लोगों से? हाँ, लोगों से, जो बड़े बुजुर्ग हैं इस धुआं से पोल्यूशन से बहुत ग्रस्त हैं, बहुत बीमार पड़ रहे हैं। आप जब समझाते हो तब भी लोगों को समस्या आती है? लोग नहीं, हम तो मेरा काम है लोगों को समझाना, हम समझा रहे हैं लोगों को, अब उन लोग का काम है वो समझे या न समझे। आप क्या कहना चाहोगे कि प्रदूषण के विरुद्ध जो ये युद्ध चल रहा है इसमें जनता की भागीदारी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और जनता जो ये काम कर रही है, ये इससे आप सहमत हैं? जनता जो जागरूकता अभियान चला रही है, जनता के लोग ही बैठे हैं आपके साथ में, जैसे जनता की शैडो कैबिनेट है और लोग हैं, जनता प्रशासन के साथ मिलकर खुद अब ये हथियार उठा रही है कि प्रदूषण कम से कम किया जाए, तो इसमें सहमत हैं आप? हाँ बिल्कुल। तो आप भी अगर प्रदूषण को रोकना चाहते हैं तो निकलिए घर से, शामिल हो जाइए प्रशासन के साथ, शामिल हो जाइए, अपने स्तर पे काम करिए, मिलकर काम करिए, लोगों को जागरूक करिए, लोगों को बताइए कि प्रदूषण से क्या क्या समस्याएं और क्या क्या तरीके हैं जो हम कम कर सकते हैं। सरकारें अपना काम करती हैं, करती रहेंगी, लेकिन जनता को भी मैदान में आना होगा, क्योंकि ये जनता जागरूकता अभियान यूँ ही चलता रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और हमें सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।